Sound and action! प्रेम रस भीगा ये मन, इश्क की भीगी लगन, डोले मगन भीगा है मन रे। नाम पिया का बोले धड़कन रे। ये गाना इंडियन म्यूजिक बेस्ड है, मतलब क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग है ये। ये राग बेस और राग मल्हार का इसमें अंग मैंने इसमें कंपोज किया है मैंने। तो ये गाना इसलिए मेरे लिए स्पेशल है, और दूसरी बात है मेरी मॉम ने लिखा है गाना, मुमताज़ अज़ीज़ नाना साहिबा ने, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से। तो ये गाने को जिस तरह से मैंने जब शुरुआत की थी इस गाने को बनाने में, तो मैं इस गाने को उस रब से जोड़ना चाहता था, उस खुदा से। First thing I like is the whole setup. I like the song. It's very soulful. I like the direction. So the director Amit, he is very talented. In a very limited time, he's done wonders. And I think it's a very Bansali sir feel, the whole song has. And I think it's a wonderful song. And anybody who watches it will go back to all Bansali films, because it's exactly that kind of flavor. एंड स्पेशली मुझे ये नोज जो है रिंग नोज पिन बोलते हैं वो बहुत अच्छी लगती है। अमित के साथ मेरा सेकेंड प्रोजेक्ट है, मैं अच्छी काम कर चुकी हूँ। एंड इज वेरी कूल, चिल्ड आउट, और उनका बहुत बनती है, वो कुछ कहते हैं तो मुझे समझ में आ जाता है। हमारा काम का वो बहुत ही कूल है, सो बहुत मजा आता है। ये मेरा ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मेरा पहला एल्बम है। जब मुझे इसका नरेशन मिला था तो आई वॉज ग्लैड। रीजन बींग मेरा रोल वॉज अ रोल ऑफ एंटागनिस्ट, यू नो, विलन। मैंने जितने भी शोज किए आई प्लेड अ विलन, सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि ऐसा। और तो गाना बहुत अच्छा है, टीम इज़ ग्रेट, डायरेक्टर इज़ वेरी गुड, ग्रेट प्रोडक्शन हाउस, सॉन्ग इज़ वेरी मेलोडियस। मतलब आप एक बार सुनोगे तो आपका मन करेगा फिर से एक बार सुनता हूँ, फिर से एक बार सुनता हूँ, और ये आपके जहन में बस जाएगा। मुझे भी देखे रोना आ गया है, रोना आ गया सर। मैं भी टेक दिस करना अच्छा लग रहा है। चलो चलो रेडी। सबसे बड़ा टास्क होता है जब आपके पास एक बहुत अच्छा कंपोजिशन किया हुआ सॉन्ग मिले, और उस सॉन्ग को जजमेंट कैसे करना है उस वीडियो के साथ, उसकी उसको स्टोरी के साथ कैसे कनेक्ट करना है, वो बहुत बड़ा टास्क होता है। क्योंकि ऑलरेडी जो एक अच्छी जॉब है वो मुस्तफा भाई ने ऑलरेडी कर दिया था, सो हम लोग के लिए बहुत बड़ा टास्क था वीडियो के लिए। और इतने अच्छे सॉन्ग को, कंपोजिशन को आपको किस तरह से आपको लोगों के सामने लाना है। एक स्टोरी के साथ देखा जाए तो काफ़ी लॉन्ग शॉट थे हमारे जो हमने पूरे प्लान किए थे। टाइम टेकिंग बहुत कम था, क्रू बहुत बड़ा था, उसको संभालने के लिए लोग थे, सो इन हाउस भी काफ़ी टीम लगी फोटो फिट की, और ग्राउंड फ्लोर पे भी काफ़ी लोगों ने बहुत मेहनत की। Jogan is like the past project which we have been doing so far in PhotoFit. So if you talk about overall experience, so from the very first day when we heard the song, we were pretty excited. मैं और हमारे जो director हैं अमित सर, हम लोग ने गाना सुना और we have that visualization कि वो गाना कैसे करना है। दो इस बार हमने काफ़ी टाइम लिया इस गाने को बनाने में, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस हुई इस गाने में। तो ओवरऑल इट वॉज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, एंड इज ऑलवेज गुड टू वर्क विथ अमित जी एज ही इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर। ही, यू नो, उनके साथ सेट में रह के काम करने का जो एक एक्सपीरियंस है दैट इज़ आउटस्टैंडिंग।